पुल बन रहे हैं, माशाल्लाह पुल बन रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन रास्ते में बड़ी दिक्कतें हो जाते हैं। मैं तो नवाही इलाके गरीब इलाकों का मुकदर हूँ, लड़ने गरीब पर भी मुझे ज्यादा होता है। बहुत अच्छे पुल बन गए, चार रास्ते थे, दो पुल बन गए, लेकिन मुश्किल ये हो गई है अगर मुझे पुल भी जाना और सीधा पुल पे चढ़ जाऊँ तो लांडी मुझसे सीधा निकल जाता, घूम जाता है पुल। इसी तरह अगर मुझे लांडी से आना हो और पड़ोस का लोनी जाना हो, पुल पे चढ़ जाऊँ तो गोला व्यवस्था निकल जाता हूँ। अब देख के चलिएगा, ये जो पुल बन रहे हैं ना, देख के चलिएगा, बहुत अच्छा काम किया, मैं तारीफ कर तो आपको चलना आसान है। लेकिन मुसलमानों, तुम जिस चौराहे में बैठे हो, आप चौराहे पे बैठे हैं, यहाँ चार रास्ते नहीं निकलते, यहाँ दो पुल नहीं बने हैं, ये चौराहे पर 73 रास्ते निकलते हैं। There are 73 ways on this roundabout of Islam. Islam में 73 रास्ते निकल रहे हैं। कैसे चलिएगा? और हर रास्ते पर मुख्तलिफ बोर्ड नहीं है, मुख्तलिफ बोर्ड होता तो हम सीधे रास्ते पे चलते, हिदायत के रास्ते पे जल्दी पहुंच जाते। मगर क्या करें, जिसने भी रोड बनाया, जिसने भी पुल बनाया, एक ही बोर्ड लगाया, सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम। जो जमात बुला रही है कह रही हम हिदायत पर हैं, हम हिदायत पर हैं, हम हिदायत पर हैं, जब सारे रास्तों पर एक ही जैसे बोर्ड लगे हो तो बोर्ड मत देखना, रास्ता ना देखना, रास्ता चलने वालों को देखना। जिस रास्ते से दोस्त पाक चलती गए उस रास्ते से चले जाओ। अब रास्ता ना देखो, रास्ता चलने वालों को देखो। किधर से दादी चल रहा है, जिसरी चल रहा है, दसवीं चल रहा है, चौबती चल रहा है, और ये अल्लाह जिस रास्ते पे चलते गए उसी रास्ते पे चलना। अल्लाह अल्लाह पेड़ का एक पत्ता सांस ले तो समंदर से अल्लाह बादल उठा। एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, यकीन मानिए। मैं अपनी बात कहता हूं, बहुत परेशान हूं, मैं फिर आता हूं कि मकसद का बहाना मिले, लेकिन नफ्स का जो कुत्ता है, नफ्स हैवानी इंसान बन के नहीं देता। बस मैं फिर आता हूं तो थोड़ी देर मुहज्जब और मुअद्दब होकर बैठ जाता हूं और इस उम्मीद में हूं कि शायद फितरी के पीछे पीछे मैं भी चला जाऊं। फिर भी कभी कभी अक्ल कहती है तुम कैसे जाओगे, तौबा करो, कसर से तौबा करो। दिल कहता है सही है, फिर मैं तौबा के लिए बड़ा परेशान हुआ, मुझसे तो बड़ी खताई हुई है। अल्लाह, मैं सोच रहा था तन्हाई में, अचानक एक किताब आई, एक लिफाफा आया, भेजने वाले का नाम नहीं था। जब मैंने किताब खोल के देखी तो वो अस्तफार गौसिया, सैयद अस्तफार गौसिया, एक छोटी सी किताब थी, उसमें तौबा के फिर दे दीजिएगा, बहुत बहुत महंगा हूँ, तौबा के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। फिर एक बात करता हूँ, मैं भी मुस्लिम और मुबारक हो जो यहाँ सलाम पढ़ते हैं ना, कयामत में भी सलाम पढ़ेंगे और वो सीधे हाथ वालों में होंगे। वो सीधे हाथ, अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब तुम्हारे लिए सलाम होगा सीधे हाथ वालों की तरफ से। तो यहाँ पढ़कर सलाम पढ़ने लगता था, कई लोग कुछ दुआ पढ़ने लगता था, अचानक एक दिन किताब मिली मखमूदाला हजरत हमारे हाशिम मंसूरुद्दीन अब्दुल कादिर मंसूरुद्दीन अल्लाह इनकी जेरे निगरानी छपी हुई किताब सूरह वाकिया बाद दुआ नसीब हुई। मैं जब सूरह वाकिया पढ़ता हुआ बीच में रुक के दुआ मांगता था तो मेरे साथ सुनने वाले कहते थे कि क्यों रुक जाते हैं, बीच में क्यों बोलने लगते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़, कुरान तो पढ़ रहा हूं, लेकिन कैसे ऐसे बता मारते जाते, रुकता है, कुछ मांगने को जी चाहता है। आप यकीन मानिए, मैं रुक रुक के कभी कभी दुआ मांगता था, मुझे हसरत की छपी हुई, हसरत के इंतजाम में छपी हुई किताब भी एक महफिल में किसी ने दे दी। अल्लाह अकबर, ऐसा लगा कि तन्हाई में जो भीख मांगी थी महफिल में मिल गई।